तो एक ठेकेदार ने कोई कार्य 19 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। अब यहाँ पे जो ठेका है वो कितने दिन का है? 19 दिन का। यानी दिन की बात करें तो यहाँ पे कितने दिन की बात कर रहे हैं? 19 दिन। 19 दिन का कार्य करने का ठेका लेता है कि भी आपके कार्य को 19 दिन में पूर्ण करके दे देंगे। 15 व्यक्ति काम पर लगाता है तो एम यहाँ पे कितने हैं? 15। 15 व्यक्ति काम पे लगाता है, एम हो गया 15। जिन्होंने प्रतिदिन 8 घंटे काम किया, अब एच कितना है? 8। एच यहाँ पे 8 घंटे। 10 दिन बाद दुर्घटना के कारण, यानी कितने दिन का काम हो चुका है यहाँ पे? यहाँ पे दिन की बात करें तो कितना? 10। 10 दिन के बाद दुर्घटना के कारण तीन दिन कार्य नहीं हो सका, यानी 10 दिन तो काम हो चुका। अब 10 दिन में टोटल कितना काम हो चुका वो है 10/19। यानी आपको 19 भाग काम करना हो और उसमें 10 भाग काम कर दिया गया हो तो काम होगा 10/19, हो गया कि नहीं? अब शेष काम क्या बच गया यहाँ पे आपका? 9/19। 9/19 ये आपने काम निकाल लिया। पर ये कह रहा कि काम जो आगे जो शेष 9 दिन बचा हुआ था, क्योंकि 19 दिन में से 10 दिन काम हो गया, अब शेष टाइम देखें अगर आप या शेष समय की बात करें तो 19 में से आपने 10 घटा दिए, कितने? 9 दिन। अब 9 दिन का काम और बचा था, परंतु 3 दिन कार्य हुआ ही नहीं, 3 दिन कार्य बंद रहता है, इसका मतलब कार्य कितने दिन होगा? 6 दिन। तो यहां पे दिन आ गए आपके 6 दिन, कितने? 6 दिन। और 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य नहीं रहे, कहीं की टांट में लग गई, कहीं की टांगड़ी पर लग गई, कहीं का हाथ के लग गई, यहाँ 4 आदमी क्यों हो गया? घायल हो गया। तो 15 में से 4 व्यक्ति काम करने योग्य नहीं रहे तो कितने रह गए? 11। तो जो प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करते, अब कहता कि प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके कार्य पूर्ण कर लेंगे, अब यहाँ पे टाइम कितना? 9। पर यहाँ पे एक बात ये कही कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए, जैसे टोटल कितने थे? 15। अब 15 में से 4 चले गए, कितने हो गए? 11। अब कुछ व्यक्ति अतिरिक्त और लगाता है, अतिरिक्त व्यक्ति लगाता उनकी संख्या में नहीं पता, तो 11 तो यहाँ पे है और अतिरिक्त हो गए आपके एक्स, तो एक्स प्लस है 11। अब देखो एम डी एच बटा डब्लू और एम डी एच बटा डब्लू, अब 19 से 19 को यहाँ काट सकते, 9 से हम 9 को यहाँ पे काट सकते, 10 को हम यहां से 10 से काट सकते, काट दिया। ऊपर नीचे की संख्या काटे, 2 से काटा, 2 तीया 6 और 2 चौके 8 और 3 एक कम 3 और 3 पांचो 15। अब आपके पास यहां पे बचा क्या है? ये कितने? 5 चौके 20 और 20 एक कम 20 और यहां पे बच गया आपके पास एक्स प्लस 11। एक्स प्लस 11 क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो एक्स प्लस 11 और बराबर बच गए आपके पास 4 5 20, ये 20 बचे हुए। तो x बराबर कितना हुआ? 20 माइनस 11, मतलब 9 व्यक्ति अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे। कितने व्यक्ति? 9 व्यक्ति। अगर ऐसे नहीं लिखते हो तो एम डी एच बटा डब्लू, एम डी एच बटा डब्लू तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे साहब, बोलिएगा? 15 गुणा में 8 गुणा में 10 और बटा में 10/19 और दूसरे पक्ष में लिखेंगे एक्स प्लस 11, एक्स प्लस 11 इंटू में 9 इंटू में 6 और बटा में 9/19। 19 से 19 काट दिया, 9 से 9 काट दिया, 10 से 10 काट दिया, अब ये काटा 3 दूनी 6 और 3 पाँच 15, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 3 पाँच 15, सॉरी 3 पाँच 15, तो 4 पाँच 20। तो यहाँ पे बस गया, देखो इसके पास क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो एक एक्स प्लस 11 और बराबर हो गया 4 5 20, तो एक्स बराबर हो गया 20 माइनस 11 और बराबर 9। या तो आप लिखेंगे एम डी एच बट्टा डब्लू, एम डी एच बट्टा डब्लू, ठीक है, या फिर ऐसे करके लो, समझ में आया सभी को? अब अगले पे देखेगा, एक ठेकेदार 30 मजदूरों को 38 दिन के लिए एक काम को करने के लिए लगाता है, तो यहां पे मजदूर कितने लगाने की बात हो रही है? 30।
एम तो लगाने की बात हुई 30, दिन बात कर रहे हैं 38, 25 दिन बाद वह 5 मजदूर और लगाता है। कितने दिन बाद? 25 दिन बाद। 25 दिन बाद वो 5 मजदूरें और लगाता है तो मजदूर हो गए अब आपके पास है 35। कितने? 35। अब क्या कह रहे हैं? और काम को एक दिन पहले खत्म कर लेता है, जबकि काम कितने दिन का बचा है वहां पे? 13 दिन का। कितने दिन का? 13 दिन का। अब ये काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे? एक दिन पहले किया तो 13 में से एक गया कितना? 12 यानी 35 × 12 यानी एम डी एच बराबर क्या होता है? डब्लू। एम डी एच बटा एम डी एम डी एच बराबर डब्लू, वर्क तो यही होता है। अब 35 × 12 लिख दिया, एक दिन पहले खत्म हो जाता है। यदि वह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता, अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता मतलब 35 30 के 30 लगाता, 30 के 30 लगाता, अतिरिक्त मजदूर कितने? 30। यानी अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो कितने लगाता? 30। तो कार्य कितने दिन में पूर्ण हो जाता? नहीं पता। डी का डी। मेरी बात समझ में आई? दोबारा सुनो, 30 आदमी 38 दिन काम करने का ठेका लेते, 30 आदमी के द्वारा 38 दिन में पूरा कर दिया जाएगा। 25 दिन बाद उसने 5 और बढ़ा दिए तो अब हो गए आपके 35। अब कह रहा कि जो 13 दिन का काम बचा है ना उसको एक दिन पहले करना है मतलब 12 दिन में, तो 35 आदमी उस काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। यानी जब 5 अधिक लगाए तो 35 मजदूर उसको 12 दिन में कर रहे थे, अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाए मतलब 30 के 30 लगाए, 30 के 30 लगाए तो कितने दिन में काम पूरा होगा? तो देखिए काटेंगे 5 6 30, 5 7 35, 6 × 12 7 × 14 तो कितने दिन बाद खत्म हुआ? देखो आपके पास से टोटल दिन कितने दिन का काम हो चुका था? 25, और 25 के बाद कितना लगता है इसमें? 14, तो कितना हो गया? 39 दिन। और काम कितने दिन का था? 38 दिन का। भाई 25 दिन के बाद जो उन्होंने तो किया 12 दिन में, मेरी बात समझ रहे हो ना? 25 दिन का काम हो चुका है, 25 दिन का काम है हो चुका है, 35 व्यक्तियों ने 12 दिन में किया, अतिरिक्त नहीं लगे तो कितने दिन में काम हो रहा है? 39 दिन में। कितने दिन में? 39 में। अन्यथा काम हो रहा था 37 दिन में। कितने में? 37। तो यहाँ पे कितने दिन अधिक लगे? एक दिन अधिक लगा। तो काम कितने दिन बाद खत्म हो जाएगा? तो आपका आंसर होएगा इधर है एक दिन बाद, एक दिन बाद काम खत्म होगा। तो आंसर रहेगा एक दिन बाद। बात समझ में आई सभी को? अगले पे देखिएगा, एक ठेकेदार एक काम को 62 दिन में समाप्त करने के लिए 40 मजदूरों को काम पर लगाता है। तो यहां पे दिन तो बता रहा है 62 और मजदूर बता रहे 40। अब पर्सन में पढ़ो भाई, 40 मजदूर एक काम को 36 दिन में समाप्त करते हैं, इसका मतलब एम कितना है, डी कितना है? 36 दिन में कर सकते हैं। आगे कह रहा है यदि प्रत्येक मजदूर 8 घंटे काम करे तो एच कितना है? 8 है। 20 दिन बाद सभी मजदूर हड़ताल पे चले गए, इसका मतलब है 20 दिन काम हो गयो, 20 दिन काम तो हो गयो। ए ये घटाया 20 दिन, और कै दिन को काम बच गयो? ए को मतलब 40 आदमियों को 16 दिन के हिसाब से प्रतिदिन 8 घंटा काम बच रहे, बच रहे। साइड में लिख दियो, ए यू लिखियो साइड में, एम डी एच यानी 40 × 16 × 8 आगे पढ़ो, हड़ताल के कारण 6 दिन काम रहेगा बंद, यानी 20 दिन काम हो चुका, अब 6 दिन काम क्या रहेगा? बंद। अबे ओ 6 दिन कर दियो कम तो बच गया 10 ही तो, ए यो लिख दियो बस 10 लिख दियो। आगे पढ़ो, 10 मजदूर काम छोड़कर चले गए, ले भाई 10 आदमी काम छोड़ के चला गया तो आदमी लगेगा अगली पार्टी में 30, पर अतिरिक्त भी लगा रखें, अतिरिक्त भी लगा रखें। शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए या कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी? यानी 10 चल गया तो क्या हो रहा होगा? अब उनको अपन को नहीं बेरो, एम को
एम, एम का एम, और प्रतिदिन कितने घंटे काम करे? चार, तो यहां पे लिख दिया चार, यानी एम डी एच काटो, 40 से कट गया भाई, 16 अठी 128, तो एम बराबर 128। अब कितने व्यक्ति अतिरिक्त लगे हैं? 40 नहीं घटेगा, 40 नहीं घटेगा, क्यों? क्योंकि 10 आदमी तो पहली काम छूट गया, कितना घटेगा? तो आंसर होएगा 128 माइनस 30, उत्तर आ गया 98, तो व्यक्ति आ गए 98। कोई डाउट है? समझ में ना आया हो तो, नहीं आया हो तो दोबारा बताऊं? ये लो, अब की बार तो अकेले नहीं पढ़ा, चलत्र ही साथ दियो थे। अब देखो आगलो पर्सन जी को है, वो थोड़ा अलग है, 40 मजदूर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, यानी एम आर डी 40 आदमी काम ने 30 दिन में कर सके। ओ एम डी एच बराबर के हुए अपनो वर्क हुए डब्लू हुए, लिख दियो। आगे देखो के कह, प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़कर जाते हैं। ले भाई रामायण ही रामायण, 40 आदमी 30 दिन में काम कर सकते हैं, पर काम लाग गया ना जो 10 एक दिन को नहीं होया, 10 दिन होता ही 5 छोड़ के चले गया, अगला 10 दिन होया फिर 5 छोड़ के चले गया, फिर अगला 5 दिन 10 दिन होया फिर 5 छोड़ के चल गया, फिर अगला 10 दिन हुए फिर 5 छोड़ के चल गया, तो फिर सुहा काम तो पदे तो पूरा वही गो नहीं हुए। तो देखो अपने काम पूरा करवा कर, एक काम कितो गयो 1200 हो गयो, हो गयो कि नहीं हो गयो? आप देखो ये टोटल काम अपनो कितनो है 1200। एक ध्यान से आदमियन काम पे लगाना है भाई, सुन गए होगे, ब्रेक देख राखी हूं आदमी की, एम कितना है 40, समझ भाई? और कै दिन काम करेगा ये? ना शुरू में 10 दिन ही काम करेगा, ए हो गया दिन कितना, डी हो गया उरे 10, तो काम कितो हो 400, 400 जो ही 10 दिन होया 10 दिन में कितो बा काम हो गयो 400। अब एम कितना हो गया 10 दिन बाद 35, कितना 35, एम तो कितना हुआ 35, और डी कितने, ये कै दिन काम करेगा 10 दिन, तो यहाँ पे काम हो गया आपका 350। फिर आगे फिर एम कितना हो गया, कितना 30, और डी कितना होगा 10, तो काम हो गए यहाँ पे 300, कितना हो गया 300, पर 1200 से अधिक नहीं होना, कभी दूसरे खेत में जाके पूरा बांध ले आओ, सुन गई ने? तो 4 और 3 7 और 3 10, 1000 है 50 भाग काम अब तक हो चुके हैं, सागा सागा जोड़ तो भी जाना, 4 3 7 750 और 3 1000 50, यहाँ तक काम हो गया टोटल 1050। एक सुन, मान लियो का अपना कर एम तो कितना है 25, एम तो कितना रहेगा 25, और 10 आदमी करे तो 25 में और 10 से गुणों कर दिए तो 250 जोड़े तो 1300 गयो, कितना हो गयो 1300। आपको मतलब अपन डी को वैल्यू कौन भी ने तो आप पढ़ दिए कर डब्लू बराबर के हुए, डब्लू है एम डी एच, तो एम की वैल्यू तो कितनी हो रही है 25, कितनी है 25, डी की वैल्यू आपने कोनी बेरो, पर काम कितनो बच रहे हो, वर्क बच रहे हो टोटल कितनो 1200 में से 1050 घटा दिए तो कितना बच गया 150, और बराबर कितना हो गया 150, तो 25 छक्का 150, तो डी कितना हो गया 6 दिन, यानी अतिरिक्त टाइम 6 दिन के, तो टाइम कितनो लाग गयो 10 10 20 और 10 30 और 6 36, काम कितने दिन में हुआ 36 दिन, कितने दिन में 36 दिन में, तो आंसर हो गया आपका 36 दिन। समझ में आया? अगर नहीं आया समझ में तो अगला क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, ठीक है, कभी तो समझ में आएगा। ये देखो भाई अगला,
50 मजदूर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो एम कितना है आपका 50 और डी कितना है 40। प्रत्येक 10 दिन बाद 5 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? यही तो देख लेते हैं। तो वर्क कितना होगा? वर्क 2000। कितना होगा? अरे यो लाया आपने कितो काम हो, डब्लू बराबर है कितना? 2000। प्रारंभ में कितने व्यक्ति लगे? कै दिन तक काम करेगा? डी कितना होगा? काम हो जाएगा कितना? 500। अब अगले 10 दिन बाद कितने व्यक्ति चले जाएंगे? 5 चले गए, कितने हो गए? 45। एम 45 और डी कितना होगा? काम हो गया 450। जोड़ते जाइए 400, 500, 900, 950 हो गया। फिर आगे एम कितना हो गया? 40। डी कितना ले लिया? 10। काम हो गया 400। कितना हो गया? 4, 5, 9, 4, 13, 1350। कितना काम हो गया? 1350। अब देखो एम कितने हो गए इधर, डी 10 रखता हूँ, कितना? 35। ये कितना हो गया था? 4, 5, 4, 9, 9, 4, 1350। 1350 इसमें से घटा के देखो, दिखा कितना हो गया, एक बार और आएगा। तो यहाँ पे डी ले लिया आपने 10, तो हो गया 350। कितना हो गया? 1700। कितना हो गया? 1700। यहाँ तक काम हो गया आपका 1700। अब आपके पास एम हो गए 30 और डी देखो 1700 में पूरे 10 दिन ले तो 300 बनता है, पूरा बनता कि नहीं? तो पूरा पूरा मतलब दिन कितने? 10। तो यहाँ हो गए 300, जोड़ा तो पूरे हो गए आपके 2000। 500, 400, 900, 900, 1300, 1300, 1350, 1300, 1700, 1700, 300, 1700, 1700, 1300, 2000। तो मतलब काम बराबर। तो काम कितने दिन लगा टाइम? 10, 20, 30, 40, 50। तो डी की वैल्यू हो गई 50। पर जरूरी नहीं है कि व्यक्ति हर बार काम है छोड़कर जाए, शामिल भी हो सकते हैं, शामिल भी हो सकते हैं। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में शामिल कैसे करेंगे भाई इनको, इसमें तो काम छोड़ के ही जाते हैं, अगले में ले लेते हैं काम जिसमें आ जाते हैं। देखो 20 मजदूर आ जाते हैं इसमें, देखो एम कितना है, डी कितना है, अब वर्क कितना होएगा, कितना? 3000। 3000 होगा। अब देखो भाई ये 3000 टोटल वर्क हो गया। प्रारंभ में 60 मजदूर काम पे लगेंगे, एम कितना? 60। डी कितना? 10। तो काम हो गया 600। कितने दिन का? 10 का। पर 10 दिन बाद 20 और आ जाते हैं, तो अब एम कितना हो गया? 80। कितना हो गया? 80। और डी कितना? 10। तो ये हो गया आपका 800, 800, 600, 1400। फिर एम हो गया आपका 100 और डी हो गया आपका 10। तो कितना हो गया? डब्लू बराबर 1000। कितना हो गया अब तक है? 2400। कितना हो गया? 2400। अब बच गया आपके पास 600 भाग बचा है। देखो एम तो ले लिए 120, अगर डी यहाँ पे 10 ले लिया तो हो जाएगा 1200। डी कितना हो जाएगा? डी लेते ही 10 से 1200 हो जाएगा, काम बचा आपके पास है 600। तो डी की वैल्यू आपको नहीं पता, डी कितना ले निश्चित नहीं है, पर यहाँ पे वर्क कितना बचेगा इनको जोड़ के लेके आए, कितना हो गया? 8, 6, 14 और 10, 2400 भाग काम हो गया, हो गया ना। अब बचा हुआ कितना है? 600। इसके बराबर कितना काम है? 600 ही है। तो 120 गुणा में डी और बराबर है 600, 0 से 0 और 12, 5, 60, तो डी बराबर 5। उत्तर कितना आया? 10, 20, 30 और 5 है 35। तो डी आ गया आपका 35 दिन। बोलो बात समझ में आई? जितना बताया वो सब समझ में आया?